ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्र स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक का दूसरा खंड के 6 मंत्र पढ़े थे और उनका विषय ऐसा था कि परा और अपरा दो विद्या भाग करके अपरा विद्या में वेद वेदांग बताए थे और परा तो वही जिससे ब्रह्म को जाना जाए, ये अपरा विद्या का डिटेल और उसका फल जो संसार, ये बताने से हम उसका त्याग कर सकेंगे और फिर परा विद्या हमारे को ग्रहण अच्छी तरह से कराई जाएगी, ऐसा इसका क्रम है। ये जो अपरा विद्या जो वेदों ने हमको कर्मकांड ने कर्म करने को बोले हैं, उसमें एक बात जरूर है कि जब तक हम कर्म की भूमिका पर होते हैं और कर्म करते हैं तब तक कर्म बहुत सिंसियरली और भक्ति पूर्वक करने चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता, बात अलग, नहीं तो उसकी चित्त शुद्धि भी हमारी नहीं होगी जिससे कि हमको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए अपरा विद्या करके छोड़ देना है माने उसमें से विकसित होना है हमको, और इसलिए उसको शुरू उन्होंने किया बता करके कि तदेतत् सत्यम, सत्य ही है। अब कुछ भी कहो उसको क्या पारिभाषिक में क्या कहते हैं, व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, सत्य माने जो हमारे अनुभव में आता है वो सत्य, वे बात सत्य है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि तवयो यानि अपश्यन्, मंत्र में ही ज्ञानियों ने कर्म देख लिया था, यानी संगीता भाग में जो देवताओं की स्तुति है उसी में सेल्फिश आदमी के मन में कर्म निकलेगा कि अगर देवता है तो मुझे कुछ दे, तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, यही तो कर्मकांड की उत्पत्ति है। पर ये ज्ञानी जनों ने देख लिया मंत्र जो देवता के प्रति होते हैं उसमें डुअलिस्टिक भाव, वो देखते ही पहचान लिया ज्ञानियों ने, कर इसी से तो कर्म निकलेगा, ये तात्पर्य। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, ज्ञानियों ने मंत्र के भीतर ही कर्म को देख लिया था, देख लिया था तो पता है उन्होंने हमको, तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। अब त्रेतायाम एक कालवाचक भी हो सकता है, यह तीन पृष्ठों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यज्ञ कर्म को भी हम त्रेता कह सकते हैं। कालवचक में त्रेता युग में बड़ा प्रचार हो गया था इनका, यानी आचरत नियतम सत्य कामा, तुम्हें अगर सत्य चाहिए और यह सत्य क्या कर्म का फल चाहिए तो, इसलिए सारे शब्द भाषा के रिलेटिवली अर्थ प्रकट करते हैं हमारे मन की अवस्था के अनुसार। कोई कहता है मेरे से कि वेस्टर्न फिलोसॉफी या साइंस में शब्दों के फिक्स मीनिंग होते हैं, हमारे इन शब्दों के मीनिंग ही बदलते रहते हैं, तो हमारा अनुभव का शास्त्र है, इसलिए अनुभव के अनुसार अर्थ बदल जाता है, कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं, अनुभव का शास्त्र है। तो ये सत्य है, इसे सत्य काम, यानी सत्य को मांगने वाले इनको आचरण करो। ऐसे वह पंथा सुकृतस्य लोके, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा यही रास्ता है इस लोक में, कभी अवहेलना की दृष्टि नहीं होती है, जब करोगे तो ढंग से करो। यदा लेला यदि अर्ची समिधे हवे वाहन है राज्य भागो अंतरेण आहुति प्रतिपादय। अरे सबने अग्निहोत्र कर्म नहीं करना है, ये काल से बदल गए, जो कर्म करोगे वो सिंसियरली मेथोडिकली करो। इसलिए
अभिवाहन माने अग्नि जो भड़का हुआ है, उसकी अर्ची माने ज्वालाएं लेलायते इधर उधर घूम रही हैं, तब जो है पहले दो आहुतियां यहाँ यहाँ देनी पड़ती है, उसके बाद बीच में आहुतियां देनी पड़ती है, ऐसे आहुतियां दो। फिर कोई भी जब मेन कर्म रहता है हमारा, तो उसके सब्सिडीज बहुत से कर्म रहते हैं, वो तो सारे भी करना चाहिए। इसलिए यस्य अग्निहोत्रम आदर्शम अपूर्णमास्यम अचतुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथि वर्जितम च आहुतम वैश्वदेवम आहुतम अवैश्वदेवम अविदिनाहुतम आसप्तमस्तस्य लोकानि नास्ति। यानी जिसका कर्म सब्सिडरीज के साथ नहीं होता आवश्यक, अग्निहोत्र रोज का कर्म है, उसमें एक दर्श कर्म भी करना पड़ता है, पूर्णिमा को अलग करना पड़ता है, चतुर्मास में अलग कर्म करना पड़ता है, अग्रहण अनाग्रहणम आग्रहण माने अगहन मास में दूसरा कर्म करना पड़ता है, और रोज ही अतिथि का पूजन तो करना ही पड़ता है। पूजन माने अतिथि को खाना खिलाना, अतिथि माने अनइनवाइटेड गेस्ट, जो डेट फिक्स करके नहीं आए, डेट फिक्स करके आते तो तुम अच्छा सर खाना बना देते, पर कोई भी आया तो खाना तो खिला नहीं उसको। अवतम माने ठीक समय पर अगर न किया जाए तो अवतम हो जाता है। वैश्वदेव ये एक कर्म है, और ठीक मेथड से नहीं किया गया तो उसके सात लोग खत्म हो जाते हैं। सात लोग खत्म हो जाते माने उसको जो लोग मिलते थे वो नहीं मिलते, ये एक अर्थ होता है इसका। और नहीं तो सात लोग माने इसकी कमेंट्री जब हमने पढ़ी थी तीसरे की पूरी, इसमें है कि ये आखिरी पैरा तो पढ़ोगे मुझे याद है। यानी हमारे बाप बाप के बाप बाप के बाद ऐसी हमारी सात पीढ़ियां पिंडदान से हमारे ऊपर डिपेंड करती, या हमारे पुण्य के बल पर उनको भी पुण्य मिल जाता है। तो हमने ठीक काम नहीं किया तो वो सब उनका पुण्य रूप नष्ट हो जाएगा। ये काली कराली च मनोजवाच सुलोहिता याच सुदुम्र वर्ण सुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। मैंने तीसरे मंत्र में मेथोडिकली कर्म करने पर जोर है, और चौथे मर्म में भक्ति पूर्वक कर्म करने पर जोर। अग्नि की जीवाओं को सब देवताओं के नाम दिए, देवता पूजन में भक्ति भी होती है, तो भक्ति पूर्वक कर्म करो। एतेषु पुरुष का फल एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हि आददायन तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको दिवस। तुझे ठीक तरह से आहुति दी गई यथाकाल, तो वो आहुतियां उसकी आहुतियां मैंने वो कर्म उसका ना, पर वो फिगरेटिवली आहुत है इसकी सूर्य की किरण बन करके उसको जहां देवताओं का पति रहता है इंद्र वहां तक ले जाती है, और उसको जाने के रास्ते पर भी स्वागत पूर्वक ले जाती है। तम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्ति अभिवदन्त्यो अर्चयन्त अर्चयन्ति एष वा पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। वो आई आई ऐसा करके उसको सूर्य किरणों से ले जाती है, मीठी मीठी बात करके ले जाती है, और यही तुम्हारे पुण्य से प्राप्त ब्रह्मलोक है। मैंने तुम्हारी गति यहीं तक थी, ब्रह्म का तुमने इसी प्रकार देखा है, पितृलोक के ब्रह्मलोक हो गया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था।
सवाल ये है कि पराविद्या यानी जन्म मरण से बाहर निकलने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। प्लवाहिते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम तेषु येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेव अपि यन्ति। ये यज्ञ रूप जो प्लवा प्लवा मैंने नाव संसार समुद्र से पार ले जाने के लिए जो नाव होती है ना, मैंने नाशवान फाइनाइट, इसमें नाव तो अध्यय होते हैं। ये क्या है इसका शब्द ही नहीं आया। यज्ञ रूपा ही ये थे अदृढ़ा प्लवा, अदृढ़ है कच्ची है इसलिए नाशवान है। ये कौन सी है? ये जिसमें 18 लोगों की जरूरत होती है वो कर 16 पृष्ठ होते हैं और यजमान यजमान पत्नी, ऐसे अच्छे कर्म के लिए 18 लोगों की जरूरत होती है। वो वाले जो है कर्म ये यज्ञ रूप कर्म ये अदृढ़ा प्लवा है। अब मूढ़ लोग इन्हीं को श्रेय प्राप्ति मानते हैं, अभिनंदन थी मैंने कॉन्ग्रेचुलेटर होते हैं। ये लोग अपने आप खुश हो जाते हैं कि हमने ये कर्म कर लिए, तो वो तो जन्म मरण में ही बार बार आते हैं ना। ऐसा यहां से इनका फल जो है वो नाशवान है, फाइनाइट है, यही बताना शुरू। ये क्या है अब तक का केवल कर्म, जिसे हम कहते हैं ज्ञान रहित कर्म। अभी तक ज्ञान का कहीं भी उल्लेख नहीं आया, कर्म कर रहा है मैं थोड़ी। ये तो इसमें जो भक्ति है कर्म की भक्ति, ये तो जो ज्ञान रहित हम कर्म एतावत फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इति निंदन्ते। ये जो ज्ञान रहित कर्म है इसका इतना ही फल है, अविद्या काम कर्म ये इसका कार्य है, इसलिए असार है, दुख का ही मूल बनेगा ये, इसलिए इसकी निंदा की जा रही है। प्लवा माने विनाशिना, ये अर्थ है प्लवा का कि यस्मा क्योंकि ये अदृढ़ अस्थिर है। मैंने जैसे कहेंगे ब्रिटल टकलादू कहते हैं हिंदी, मालूम है ना टकलादू, मैंने कोई फर्नीचर और टूट जाएगा तुरंत, इस तरह की अदृढ़। यज्ञ से रूपाणी यज्ञ रूपा, यज्ञ निर्वर्तक यज्ञ को कंप्लीट करने वाली क्रिया है। अष्टादश अष्टादश संख्या का अष्टादश संख्या है छोड़ोश ऋत्विजा पत्नी यजमान अष्टादश 16 पुरोहित पत्नी और यजमान एतद आश्रयम कर्म उत्तम कथितम शास्त्रेण। शास्त्र ने वेद ने ये 18 को लेकर के कर्म की बात की हुई है। येषु अष्टादश सु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म, ये केवल ज्ञान वर्जित ही कर्म है। इसलिए कहा जा रहा है कि ज्ञान वाला कर्म है, बाद में बताएंगे अलग से। इसलिए अदस्तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम अष्टादशानाम अदृढ़तया प्लवत्वात् प्लवते, तो नाशान है इसलिए नष्ट हो जाती है, सफल है उसका फल भी नष्ट हो जाएगा। फिर तत्साध्यम कर्म
ये अष्टादश की सहायता से किया जाने वाला जो कर्म है वो फल सहित नष्ट हो जाता है। कुंड विनाशात इव क्षीर दध्यादीनाम तस्सानाम नाशा। कर्म के साथ फल कैसा नाश हो जाता है? एक अपने हंडी में दही या दूध रखा, हंडी फट गई तो दूध दही थोड़ी रहेगा। ये उदाहरण दिया जाए, ये तो एवं एतत् कर्म श्रेय श्रेय करणम, श्रेय माने श्रेय मोक्ष देगा हमको, इति अभिनंदन्ति अविरिष्यन्ति अविवेकिनो मूढ़ा। ये हमको मोक्ष देगा सोच करके अविवेक के मूढ़ लोग खुश रहते हैं। ते जराम च मृत्युम च जरा मृत्यु किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा, स्वर्ग में जाएंगे पर वापिस आ जाएंगे बुढ़ापा मरण वाले संसार में। पुनरे वापी अंतिम भूयोपि गच्छन्ति। उन्हीं का वर्णन है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना जंगन्य माना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांदा। अविद्या के अंदर रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए हुए अंधे के समान पीड़ित होते और सब और भटकते रहते हैं। जंगन्य मानने माने पीड़ित होते रहते हैं, पर यंति माने घूमते रहते हैं। अभी यहां दो अंधे नहीं है, अंधे ने अंधे को ले जाए मैंने कहे, उनकी बुद्धि ने उनको ले गए रास्ते पर, ये अंधे पर उपासना नहीं है, कर्म के अंदर की भक्ति है। उपासना भी आई ही नहीं है, इन मंत्रों में उपासना के लिए नाम ही नहीं आया। वेद ने बोला है कर्म सिंसियरली करो, मेथोडिकली करो, डिवोशनली करो। कर्म होने डिवोशन फॉर गॉड नहीं है इसमें। डिवोशन टू गॉड नहीं है, डिवोशन टू कर्म है। आचार्य कह रहे अविद्यायाम किंच अविद्यायाम अंतरे मध्य वर्तमान अविद्या के अंदर रहते अविवेक प्राय, इसका अर्थ है कि विवेक उनमें ही नहीं बिल्कुल। स्वयं वयमेव धीर, हम लोग पंडित है मानते हैं, बुद्धिमान है पंडित है। देखो मूर्ख लोग सब समय अपने को पंडित, ये उनकी मूर्खता का एक लक्षण ही होता है। विदित विदित व्याश्चिति, जो जानना है हमने जान लिया है, ये एटीट्यूड होती है। ठाकुर के पास के दो लोग बात कर रहे हैं तो एक ने कहा मैं जानता हूँ जानता हूँ, ठाकुर ने कहा ऐसे मत बोलो, इसमें कई चीजें होगी जो तुम नहीं जानते हो। मेरा भाव ये नहीं, जब तक जीऊंगा तब तक सीखूंगा। मैंने माना आत्मा नाम संभाव जनता, अपने आप की बड़ाई करते रहते हैं। ये जंगन्य माना माने जरा रोगादि अनेक अनर्थ और आते हन्य माना वृषम पीड्य वाला, बुढ़ापा है रोग है अनेक अनर्थ व्रत से मारे जा रहे हैं, बार बार पीड़ा मिल रही उनको, परियंती विभ्रमंती मूढ़ा और संसार में भटक रहे हैं। दर्शन वर्जित अंधे नहीं हो अचुष के नहीं हो नियमाना प्रदर्शमाना मार्ग यथा लोके अंधा अक्षरहिता कर्त कंटक आदो बदंती तत्व।
दर्शन वर्जितत्व, इनको ब्रह्म का दर्शन नहीं है, सत्य का दर्शन नहीं है, इसलिए अंधे से ले जाने वाले अंधे के आ जा गया है। इस दुनिया में जो अंधे अगर अंधे को ले जाए तो खड्डे में कांटों में कहीं भी गिर सकते हैं, ऐसा इनका चलन हो रहा है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेना तुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते। बहुत प्रकार से अविद्या में रहते हैं ये, और हम कृतार्थ हैं ऐसे। बाला शब्द वेदों में सब समय अभी के लोगों के लिए आता है, बच्चों के जैसी बुद्धि, इसी में खुश रहते हैं, हम पालिया कहते हैं। अब यहाँ जो यत शब्द है ना, ये यस्मात अर्थ है, नहीं तो अर्थ समझ में मुश्किल हो जाती है। कर्मिणो रागात यत न प्रवेदयंती, रागात मैंने ड्यू टू अटैचमेंट, कर्मी लोग नहीं जानते, अमुक नहीं जानते, ऐसे वो लिख नहीं सकते, जिस कारण नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। यद माने यस्मि, कर्मी लोग अटैचमेंट के कारण नहीं जानते, इसलिए तेना आतुर, न जानने से ही वो दुखी होते हैं। इन लोग का चवनते, क्षीण लोक माने स्वर्ग में जाते हैं, पर कर्म क्षीण हो जाता है तो वापिस आते हैं, चवनते माने स्वर्ग से वापिस आते। अजरे कर किंच अविद्यायां बहुधा बहु प्रकारं वर्तमान वयमेव कृतार्था कृत प्रयोजना, जो पाना था पा लिए सोचते हैं, इति एवं अभिमन्यन्ति अभिमान कुर्वन्ति, अपना ही घमंड कर लेते, कुर्वन्ति बाला अज्ञानिना। यत् माने यस्मात्, यही आचरण, यस्मात् एवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वम्, क्या नहीं जानते, तत्व नहीं जानते, न जानन्ति रागात् अटैचमेंट के कारण, आचार्य के कर्म फल रागात्, कर्म के फल के ऊपर आसक्ति होती है, इसलिए तत्व को नहीं जानते, तो फल मिलता है वापिस आते हुए। राग अभिभव निमित्तम, अभिभव माने दे हैव बीन ओवर पावर्ड बाय देयर आज्ञा, देयर अटैचमेंट से वो ओवर पावर्ड है, तेना कारण है ना आतुरा, आतुरा माने दुख से दुख पीड़ित है, संता ऐसे हो करके क्षीण लोका क्षीण कर्म फला स्वर्ग लोका, उसको शब्द इसमें बैठाने पड़ते ना अर्थ पूर्ण करने के लिए। क्षीण लोका मैंने लोक में जाएंगे पहले, फिर गिरेंगे वो। अब एक इम्पोर्टेंट वैदिक डिक्टम यहाँ आएगा अगले मंत्र में, उसका नाम है शेष कर्म। इष्टा पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य छिरयो वेदयन्ते प्रमूढा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, अनुभूत्वा शब्द है ई अगले लाइन में आएगा, इमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति, स्वर्ग से मनुष्य लोक में वापिस आएंगे कोई गारंटी नहीं है, इधर लोक में भी है। उदाहरण से अगर एकदम समझना है तो दुर्योग विशिष्ट कर्म कारण के कारण स्वर्ग में गया, युद्ध में मृत्यु आया, पर सारा जन्म तो पाप कर्म के, फिर नरक में जाएगा, इसलिए स्वर्ग में गया वो पृथ्वी पर ही आएगा, ऐसी कोई गारंटी। वो योगी की बात थी, सूची नाम श्रीमद नाम के योग वर्ग रहेगा, योगियों कल में जाएगा, पर नहीं तो ये शेष कर्म की थियरी इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ी है। शेष मन
किसी कर्म से तुम सर्वज्ञ हो, बाकी तुम्हारे कर्म कैसे, उसके अनुसार धर्म होगा। अब यहां पर दो प्रकार के कर्म है, इष्ट और पूर्त, इनका समास होता है तो इष्टापूर्त हो जाता है। इष्ट माने वेदों में बताए हुए यज्ञ, और पूर्त माने स्मृतियों ने बताए हुए लोक कल्याण के काम। तो ये इष्ट पूर्तों को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसे अलग कोई श्रेय प्राप्ति है ही नहीं कहते हैं। वो प्रमूढ़ है, अत्यंत मूढ़ है, इसे अलग श्रेष्ठ प्राप्ति न वेदयन्ते, जानते नहीं है। नाक माने स्वर्ग, नाक के पृष्ठ पर यानी स्वर्ग में अपने पुण्य का फल अनुभव करके वो है उनका। इमं लोकम, इसी लोक में या इससे हीनतर लोक में जाते हैं। इष्टम यागादि श्रोतम कर्म पूर्तम वापी कूप तड़ागादि स्मार्तम, इसे क्या पता चलता है हमको, समझ में आ रहा है? साइड इश्यू, वेदों का भाग पढ़ रहे ना, तो स्मृति पुरानी ही चीज है, वेदों के बाद में नहीं ऐसा मत बोलो। वेदों में ऋषियों का रिवेलेशन, उसको मन में रख करके सोशल लॉ जो बनाई जाती है उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति माने याद रख करके, याद क्या रखा है, ऋषियों ने क्या दिया वो याद रखा है, परंतु समाज कल्याण के लिए नियम बनाए ये स्मृति हो। तो समाज कल्याण के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखो तालाब खोदे, खोदो, लोगों की मदद का काम करो, नहीं तो समाज की धारणा नहीं हो पाएगी। अब उसी को सब कुछ मान दिया। इसलिए इष्टापूर्त कर्म का उल्लेख निषेधों में होने समझ में आता है कि ऐतिहासिक दृष्टि ऐसा नहीं कि पहले व्यक्त है फिर स्मृतियां बनी है। साइमल्टेनियस है, पुराण भी नारद जी तो पुराण पढ़े, मैंने कह रहा इतिहास पुराणम पंचम वेद कह रहे। तो इसलिए ये थॉट एवोल्यूशन से अलग है कॉन्शियसनेस की लेवल पर, एक साथ ही सभी रहता है। अरे वो बृहदारण्यक में दिया है, ब्रह्मा ने लड़की बनाई ना सरस्वती, और फिर उसे कोहैबिट करने के लिए चले गए, वो भाग गई। वहां पर आचार्य ने कहा है कि स्मृति के स्मरण आया उसको कि बाप के साथ समागम नहीं करते, इसलिए बात मैंने उससे स्मृतियां पड़ी हुई है पहले। इसलिए कल्प कल्प में ये चलता है। एतदेव अतिशयेन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति मन्ये, इसमें वरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ माने यही सबसे बढ़िया साधन है पुरुषार्थ का, ऐसा मानते हैं। चिंतन तो अन्य आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधन न वेदयन्ते, इससे अलग आत्मज्ञान जो श्रेय का साधन है ये तो जानती ही नहीं बड़ा विद्वत न जानती प्रमूढ़। अब यह प्रमूढ़ को आचार्य ने कैसा अर्थ किया है, पुत्र पशु बंधु आदिशु प्रमत्ततया मूढ़, मूढ़ भी है और पागल भी है, उन्मत्त है। पुत्र पशु मित्र बस इनमें ही प्रमत्त है, ऐसे सब लोग दुनिया में देखते हैं ना, उन्हीं का वर्णन है। वो हम लोग को हंसते हैं क्या पागल है ये लोग, हमने देखो जीवन ठीक रखा कि नहीं। नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठे उपरि स्थाने, पृष्ठ माने उसकी पीठ पर नहीं उसके ऊपर, सुकृते भोगायतने यानी सुकृते स्वर्ग का ही नाम हो रहा है, भोग का स्थान हो गया। अनुभूत्वा अनुभूय, ये समझ में आया अनुभूत्वा अनुभूय, संस्कृत व्याकरण से अनुभव ही होगा, वेदों में अनुभूत होंगे, इसलिए इसका सरल संस्कृत। कर्म फलम पुनरिमम लोकम मानुषम अस्माद् हीन इतरम वा तिर्यं नरकादि लक्षणम यथा कर्म शेष विशेषतया, जैसा कर्म बचा हुआ हो
था उसके अनुसार। ये लॉटरी नहीं, कोई यहाँ गया कोई वहां आ गया, जो कर्म बचे हैं उनके अनुसार। फिर एक नरक आदि लक्षण, वेदों में नरक का उल्लेख है नहीं या कहीं बहुत मुश्किल से होगा, आचार्य ने जोड़ दिया दोनों। फिर एक मैंने योनि में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ठीक है। यहां तक एक टॉपिक खत्म हुआ। कल हमने पढ़ा था कर्म सिंसियरली करो, आज टॉपिक था कि कर्म किसी काम का नहीं है मोक्ष के दृष्टि से, और उसी में मानने वाले लोग ऐसे ही स्वर्ग में जाते हैं, बार बार आते हैं मरते हैं, उसी को अच्छा समझते। अब उसके बाद और एक कैटेगरी के लोग हैं, यानी नहीं बीच के, साधारणतः हम कहेंगे वानप्रस्थ। फिर कुछ ग्रस्त भी उसमें आ सकते, तपश्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये शांता विद्वांसो वैश्यचर्यां चरन्ता सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृता स पुरुषो हि अव्यय आत्मा। तपस्या और श्रद्धा लेकर के रहते हैं, अरण्य में जाकर के रहते हैं, उपवसंती माने अरे इच्छा पूर्वक गए ना, किसी जबरदस्ती जंगल में नहीं निकला, उनको राम को वनवास दिया इसने खाते है, उपवसंती माने वहां जाके रह जाते, वानप्रस्थ हो गए ना। पर इनमें दूसरे भी शामिल है, शांता विद्वांस, ग्रस्त लोग जो शांत हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी मैंने वही उपासना वगैरह वाले, और भक्ष्यचर्य हम चरण वानप्रस्थ भक्ष्यचर्य मैंने, या दंडी सन्यासी भी इंक्लूडेड हो गए, दंडी सन्यासी वानप्रस्थ और अच्छे ज्ञानी रिलेटिवली गृहस्थ, ये तीन लोगों का हाल भी बताया जा रहा है। गृहस्थ हमेशा जंगल में नहीं जाएगा, पर जाते रहते हैं। तो ये तपो और श्रद्धा इनमें ऑस्टेरिटीज है, ये भोगों वाली दुनिया में नहीं रहते, पार्शियल वैराग्य है इनमें। श्रद्धा भी है, यानी भक्ति या उपासना का रूप है श्रद्धा। वो कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। इष्ट गति ज्ञान सहित कर, अब इनका कर्म स्थूल कर्म है ही नहीं, मनीमन कर्म है ना उपासना। तो सूर्य द्वार से विरजा, उनका रजोगुण चला गया, रजोगुण रहित हो करके सूर्य द्वार से जो अव्यय पुरुष है वहां चले जाते। वहां देवताओं का पति बोला था वो इंद्र था स्वर्गलोक, और अब जो है अव्यय आत्मा पुरुष मने ब्रह्म वहां चले जाते। ये पुनस्तद विपरीता, यहाँ ये शब्द है ना, परंतु शब्द नहीं है, पर ये शब्द है, माने उनसे अलग कुछ लोग बताए जा रहे हैं अभी, इसलिए उनसे विपरीत ज्ञान युक्ता, इनमें ज्ञान है, उपासना रूप ज्ञान है। ठाकुर को सगुण ब्रह्म रूप में जानते हैं। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ लोग हैं ये तो, सन्यासी नश्च वेदंडी सन्यासी लोग, श्रद्धे तपाश्रम वेतम कर्म, तप का अर्थ है यहाँ पर अपने अपने आश्रम के कर्म, और दंडी सन्यासियों के इतने कड़े नियम होते हैं। वानप्रस्थ तो घर छोड़ के चला गया, उसका अपना कड़पा नहीं, इसलिए वही तो तपस्या है। हमारे रामकृष्ण मिशन तपस्या में चला गया, मतलब छत्र में चला गया, तीर्थ में चला गया, आश्रम में सब सुविधा मिल रही, वो नहीं है वहां। अरे हमारे बुजुर्ग स्वामी लोग कहते आश्रम का काम क्या कम तपस्या है क्या, वहीं जाना है तुमको क्या? तपस्या करते हैं हम, कि क्या करते हैं, पर अपना अपना कर्म ठीक तरह से करना, सबके साथ मिलकर रहना है तो तपस्या है।
आचार्य कह रहे स्वाश्रम विहितम कर्म श्रद्धा हिरण्य गर्भ आदि विषय भी देव ने बोले श्रद्धा में ये भक्ति का भाव है जहां तक हिरण्य गर्भ इसलिए कहा कि ठाकुर का सगुण रूप जानते हैं ठाकुर कर्म करा रहे हमसे ये सब जानते सुंदर इसका अनुवाद हुआ ते तपश्रद्धे उपवसंती सेवंते अरण्य वर्तमान आसन अरण्य में सेवंते खुद होके चले गए अब इनके साथ ये एक प्रकार के लोग हैं अब इनके साथ और भी जोड़ो शांता ऊपर कर ऊपर तक कर्ण ग्रामा विद्वांस गृहस्थाश्च ज्ञान प्रदान इत्यर्थ अभी शांता किसके लिए आ रहे हैं पूरे विद्वांस के साथ ही जुड़े हुए हैं यानी गृहस्थों में जो ज्ञान प्रदान गृहस्थ है उसी के इंद्रिय वगैरह कंट्रोल में वो शांत है इत्यर्थ ये भी जो वैक्यचर्या चरणता परिग्रह अभाव उपवसंती अरण्य इति संबंध इसको तरह तोड़ तोड़ के संबंध बोलना पड़ेगा शांत विद्वांस एक हो गए और वैक्यचर्या चरणता उपवसंती अरण्य भिक्षा मांगने वाले ये लोग अरण्य में जाकर रहते हैं चाहे वानप्रस्थी हो या सन्य दंडी स्वामी हो देखो साउथ इंडिया में एक प्रथा है गृहस्थ लोग हैं पर जब वो किसी विशिष्ट तीर्थ पर जाते हैं सन्यासी जैसे रहते हैं सन्यासी के कपड़े पहनते हैं गेरुआ रंग के और कुछ लोग हैं काले कपड़े पहनते हो पराशक्ति आदिशक्ति और रास्ते में भीख मांगते हुए खा करके जाते व्रत की दृष्टि से पुण्य संपादन की दृष्टि से उनको वहां कहते हैं पाद यात्री पैदल चलने वाले अरे मैं जब कावेरी किनारे जा रहा था ना तो किसी ने मुझे घर पे खाने को दिया उसका पड़ोसी पूछ रहा है कि कौन है क्या है अरे ये पाद यात्री है ना इनको बहुत पुण्य मिलता है हम खाने को देंगे तो हमें भी थोड़ा सा मिल जाएगा क्या बताओ तुम लोग मेरी अम्मा कहलाने वाली एक तमिल लेडी वो पाद यात्रा में गई थी और मैं जब उनके घर में पहुंचा हूं ना एक ही सेट था मेरा कपड़ों का टोपिन और टॉयल बदलने की चीज तो पानी से पूरा भीग गया था उसके कपड़े पहने उसने अपने कपड़े मैंने धोती उसने अपने कपड़े धो धा के इस्त्री करके रखे थे वो मुझे पहनने को सर कपड़े भी पैरों में छाले पड़ गए उसको तेल लगा के मालिश की उसने पचासी क्यों की उम्र में चलो उसके बेटे बेटियां जमाई है तो मेरे लिए मेरे जिंदे मिस्टर नमस्कार मुझे इससे याद आया कि जंगल में जाते हैं तो गृहस्थ लोग भी दूसरे लोग दिखने में विचित्र दिखते काले कपड़े पहने वो आदि पराशक्ति के लिए जाते हैं पैदल फिर ये लोग जैसे पढ़नी वगैरह उनके जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है ना वो किसी एक प्लेस में जाते हैं इस तरह से ज्यादातर साधारणतः सामूहिक जाते हैं 10-5 लोग मिलकर कैसे तो ज्ञान प्रदान ग्रस्त मुख्याचर्य चरणता का संबंध अरण्य से लगाओ बाकी ग्रस्त है परिग्रह अभाव क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं जंगल में जाके रहने लगे तो इनके पास कुछ है नहीं इसलिए फिर भी क्या मांग के खाएंगे
उनका रिजल्ट सूर्य द्वारा है ना, सूर्योपलक्षित है ना उत्तरायण ना, पता सूर्य के रास्ते माने उत्तरायण के रास्ते। ये विरजा विरजसा क्षीण पुण्य पाप कर्म, पाप पुण्य कर्म दोनों खत्म हो गए उनके, इसलिए विरज हो गए। तो बस संता इत्यर्थ प्रयांति प्रकर्षण यांति अच्छी तरह जाते हैं यत्र यस्मिन सत्य लोकात, सत्य लोकात इसी को सत्य लोग कहते हैं ना, ब्रह्मलोक सत्य लोग आदि उसके आसपास भी कोई लोग होंगे वहां चले जाते हैं। अमृता स पुरुष कौन, अमृत पुरुष प्रथम जो हिरण्यगर्भ, पहला जन्म जिसका वो हिरण्यगर्भ ही अव्यय आत्मा अव्यय स्वभाव यावत संसार से, वो मरता नहीं जब तक संसार नहीं मरता। ये रिलेटिव है शंकराचार्य जोड़ी उसके संबंध, ये तो अंतस्तु संसार गत यो अपर विद्या, उनसे अलग हो गए पर अपर विद्या के अंदर नहीं आ गए। अब यहां पर सवाल उठा है कि लोग तो इसको मोक्ष कहते हैं ना, ननु ये तो मोक्ष में इच्छा थी कि जी आचार्य के मोक्ष का वर्णन तो करो न, ये वो सर्वे प्रविलियंति कामा, जिसकी डिजायर्स यही छूट गई है, ये सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वमेव आविशन्ति, वो तो सर्वे अपनी ब्रह्म के साथ एक हो गए, उनको सब कुछ मिल गया, सब कुछ माने पूरी दुनिया उनकी हो गई, वो धीर है वो योगी है आत्मा में और वो सभी में एंटर कर जाते हैं, एक विशिष्ट जगह नहीं जाते, हम सब में अंतर्यामी हो जाते हैं इत्यादि श्रुति प्रयोग। अब प्रकरण दो कारण दे रहे हैं इसके, ये मोक्ष नहीं इसके दो कारण दे रहे हैं, पहला तो एक कि श्रुतियों ने ये बताया मोक्ष वालों को वो तो यही खत्म हो जाता है उनका, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। दूसरा है कि उसका प्रकरण ही कहाँ है अभी, अब प्रकरण अच्छा अभी तो ये कर्मियों का प्रकरण था उसके बाद ये है, इसके बाद श्लोक आएगा कि ये सब त्याग करके तुम गुरु के पास, अभी तो प्रकरण ही नहीं आया। अपर विद्या प्रकरण है, अभी तो अपर विद्या के प्रकरण चल रहा है, ही प्रवृत्ते नहीं अकस्मात मोक्ष प्रसंग, सडनली मोक्ष का प्रसंग नहीं आएगा। विरजत्वम तो अपेक्षिक, सन्यासी जो विरज हम करते इनका विरज होना रिलेटिवली विरज, समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षणम क्रिया कारक फल भेद भिन्न द्वैतम एतावत एव, अपर विद्या का जितना कार्य है उसमें कुछ करके कुछ प्राप्त करना है साध्य साधन लक्षण, उसमें क्रिया और कारक और फल अलग अलग होते हैं सारे, वो द्वैत ही होता है। एतावदेव यहाँ तक है वो, यदि हिरण्य गर्भ प्राप्ति अवसान, हिरण्य गर्भ की प्राप्ति इसकी लिमिट है। सन्यासी गायत्री मंत्र क्यों छोड़ देता है, गायत्री मंत्र हिरण्य गर्भ का मंत्र, तथा च मनो न उत्तम, मनुस्मृति में आचार्य कोई चीज मिली स्थावराद्याम संसार गति अनुक्रामता भाई ब्रह्मा विश्वर से जो धर्मो महान अव्यक्तमय वच उत्तम सात्विकी मेंताम गति माहुर, क्यों अनुस्मृति ने बोला विश्व को बनाने वाला जो ब्रह्मा है वो धर्म है महान है अव्यक्त है, उसको उत्तम सत्य की गति कही जाती है, त्रिगुणातीत नहीं सत्य की गति, मनीषिणा विद्वानों ने उसको उत्तम सत्य की गति बोला है। अब आया मुंडक का असली श्लोक, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक, पराविद्या का इंट्रोड्यूस करने वाला पराविद्या नहीं एक और है, दो मिलकर के श्लोक है ये, उसके बाद पराविद्या का प्रकरण आएगा। अपराविद्या के प्रकरण में मोक्ष नहीं आएगा,
अपरा विद्या के प्रकरण का कॉन्क्लूजन करने वाले दो मंत्र वे बने। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद आयात नास्ति अकृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, ये कुछ मंत्र ऐसे होते हैं एब्सोल्यूट, बिल्कुल इसमें फर्क नहीं हो सकता। इसमें कोई अष्टादशोक्त नहीं, काली कराली नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन का एब्सोल्यूट सार रहस्य है, कभी किसी युग में भी नहीं बदले गए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो युग से बदलने वाली। लोगों की परीक्षा कर ले, लोगों की माने आदमियों की नहीं, जो ब्रह्मलोक तक गए ना वो ब्रह्मलोक तक सब लोगों की, पूर्व स्वा ऊपर नीचे के सारे लोगों की परीक्षा कर ले। क्या लोग हैं? कर्म चितन, कर्म से प्राप्त होने वाले सारे लोगों की परीक्षा कर। अब ये कर्म केवल कर्म भी हो सकते हैं, ज्ञान सहित कर्म भी हो सकते। ब्राह्मणों, अब क्या है कि ब्राह्मण अगर जाति ताल हो तो उस समय ब्राह्मण लोग ही वेद पढ़ते थे और ब्राह्मण लोग ही ये सब कर्म भी करते थे, और नहीं तो व्यापक अर्थ में लोग तो ब्रह्म को फॉलो करने वाले ब्राह्मण। अभी देखो, तुमने देखा नहीं उसको, एक भक्त लड़की केरल की, मेरे तीन जगह मिलने आई है, कारपेंटर विश्वकर्मा जाति की है, और रेगुलर वेद क्लास अटेंड कर रही है, प्रश्न पूछ रही है और टीचर कुछ भी है उसके ऊपर, मैंने ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना उसी में पूछते हैं, रागी प्रेजेंट हो? उसने कहा कि हाँ यस सर। क्लास चलते चलते उसने पूछा था, वेद तो आप पढ़ा रहे किंतु संध्या वंदन के बारे में तो आपने नहीं सीखा है, उनका कल सीखाऊंगा, वो पूछ रहे हैं वो तो इसे कहा जाति के नियम बनवाने अटकाएगा, उसे कहीं जाना आना नहीं है, मुझे तो जानना है वेद क्या है, मुझे जानना ही है, संध्या कर्म लोग करते हैं क्या करते हैं मुझे जानना है। ऊंचे अनुभव वाली भक्त है, नारायण के होते हमारे शारदा मठ की वाइस प्रेसिडेंट मत से दीक्षा उसकी, और उसके मन में वो है ना अनंत शयनम अयंग, नारायण की भक्ति, नारायण का सर्वव्यापित्व उसको नित्य अनुभव है, और वो खुद उसके साथ नई सारी दुनिया में, ये भी उसका अनुभव। यहाँ आएगी तब आएगी, तीन जगह मुझसे मिल के गई, कई जगह मुझे मिली, कहा थी तो उसके इतिहास बता देता हूँ। त्रिवेंद्रम वो रेडियो टेक्नोलॉजी थी, रेडियो माने रेडियो नहीं है, रेडियोलॉजी जिसे कहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन। एक महीना पहले ट्रायल के रूप में रह के गई थी वहां पर, बाद में उसको परमानेंट जॉब लगाया, महीना कौन से याद कर लो, जुलाई वगैरह 8 तारीख को, और मैं 10 मैं उसी दिन या उसके दिन दूसरे दिन वहां पहुंचा। शाम को आरती के बाद नर्सेस वगैरह सब मुझे प्रणाम करते थे, ऐसे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब इसने आके पैर छू के प्रणाम किया, यहाँ पर एक बंगाली लड़की टपकी क्या, मैं तो बंगाली के नहीं, फिर तेरे घर के लोग धार्मिक है क्या, कोई उसके माता पिता धर्म को मानने वाले नहीं, तो संस्कार के देश में कुछ तो अच्छे लोगों का नाम लेने में तो कुछ है नहीं, नहीं, नहीं किसी की। तो ब्राह्मण शब्द आया है इसलिए मैंने इतना सुना है, ब्राह्मण गुण से ही होगा।
अब कितने लोग हैं आज अलग अलग जातियों में कि जो बहुत बहुत ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव से। केरल में ब्राह्मण से नेक्स्ट कौन सी जाति होती है? नायर। नायर लोगों में ऊंचे अनुभव के लोग हैं। तो ब्राह्मण को वैराग्य हो जाए, लोगों की परीक्षा करके निर्वेदम आयात वैराग्य हो जाए। कैसा वैराग्य हो जाए? फटे कपड़े पहनने का नहीं। नास्ति अकृता कृतेन अधरुच कृतेन किम स्यात्। ये लोकों में, ब्रह्मा तक के लोकों में कर्म का फल नहीं, ऐसा कोई लोक नहीं है। और ऐसे लोगों से मुझे क्या करना है? कृतेन किम स्यात्, मेरा क्या होगा? ये वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ के फटे कपड़े पहनने का नहीं। हो तो चले गए ना, वानप्रस्थ दंडी संन्यासी तो सब हो गए, उनके साथ आप बोल रहे हैं कि ये परीक्षा लोग, यानी वो लोग हिरण्यगर्भ लोक में सत्यलोक में जाएंगे, वो जितना नहीं है वही करें ना प्रकरण। हावी उसके बाद ये श्लोक कर रहा है ना, ये सारे लोगों की परीक्षा कर ले। सारे लोग कर्म का फल है, पूरी दुनिया में कर्म का फल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये इसे क्या करना? नास्ति अकृता कर्म का फल नहीं, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं। और कर्म का फल ऐसे मुझे क्या करना? मुझे तो स्वरूप चाहिए अपना। तो स्वरूप जानने के लिए क्या करना? तद विज्ञानार्थम, तद माने वह स्वरूप जानने के लिए, अनुभव पूर्वक जानने के लिए गुरु के पास। शौनक बेचारे अंग्रेज के पास गए, शंकराचार्य वहां से निकले तो ओंकारेश्वर के पास ही जाए, विधि पूर्वक जाए। गुरु के पास जाने की विधि अलग ही विधि नहीं, जैसे शौनक को विधि पूर्वक गए थे अंग्रेज के पास, तो ये भी समित पाणी। देखो जंगल में गुरु लोग रहते थे और उनके होम हवन तो नित्य की बात थी, तो इसलिए कुछ संविदा की लकड़ियां ले जाना, एक सी मौत शरणागति करो। आजकल दीक्षा के लिए लोग आते हैं तो क्या ले आते हैं? अगरबत्ती। तो संविदा ले हाथ में लेकर के जाए। गुरु कैसा हो पर श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठा, श्रोत्रिय माने वेदों का मर्म समझने वाला और ब्रह्म में मन लगा हुआ। ब्रह्म ज्ञानी स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर ब्रह्म निष्ठा है। इसकी कमेंट्री धीरे धीरे कर पड़ेंगे, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। शॉर्ट में बोल दिया, ये अपर अविद्या पर अविद्या, अब अपर अविद्या डिटेल में बोल दिया। अब इसके बाद नहीं आएगी हमारे पास दोबारा अपर अविद्या, पूरा डिटेल हो गया उसका, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक प्राप्ति ज्ञान सहित कर्म। और इसमें बाहर के प्रकार से देखो तो दंडी स्वामी, वानप्रस्थी और अच्छे गृहस्थ भी आ गए। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आएगा, मुंडक को उपनिषद आएगी, तो ये इसका श्लोक है। ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव भद्रम पश्ये मक्षभिर यजत्र सिरे अंगे तुष्ट वांस स्तनो भी वशेम देव हितम यदायु स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्रव स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तार्क्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।